नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। भागलपुर नगर निगम और नगर परिषद के लिए चुनाव को लेकर कई कोषांग का गठन किया गया, जिसके लिए अधिकारियों की टीम बनाकर जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। जिले में नगर निकाय आम चुनाव से संबंधित सभी जिम्मेदारी 13 कोषांग की होगी। DRDA के प्रथम तल पर चलने वाले कार्मिक कोषांग की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता के पास होगी, जबकि स्थापना शाखा के उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं आम चुनाव के लिए प्रशिक्षण कोषांग का जिम्मा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सौंपा गया है। इधर चुनाव की तैयारी शुरू होने से लंबे समय से इंतजार कर रहे मतदाताओं में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, जबकि तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच ही नगर निगम चुनाव सम्पन्न कराया जा सकता है। वहीं इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को 13 कोषांगों का गठन कर अलग अलग अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। बता दें कि सुल्तानगंज, नवकचिया, कहलगांव, पीरपैती, अकबरनगर, सबौर और हाबीपुर नगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव होना है। लखीसराय पुलिस ने 72 घंटे के भीतर बड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-80 बहदरपुर के समीप एक कीटनाशक दवा लोड पिकअप वैन को अगवा कर लेने की घटना का उद्भेदन कर दिया है। पिछले 25 अगस्त को बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल अंतर जिला गिरोह के सरगना समेत 4 लुटेरों को स्कॉर्पियो के साथ शेखपुरा से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। वहीं इसको लेकर SP इमरान मसूद ने कहा कि 25 अगस्त को स्कॉर्पियो सवार अंतरजिला के अपराधियों ने कीटनाशक दवा लोड पिकअप वैन को अगवा कर लिया था, लेकिन वैन में लगे GPS के आधार पर पुलिस ने पिकअप वैन को शेखपुरा से बरामद किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से लूटकांड में शामिल अपराधियों की पहचान कर शेखपुरा के मेहुन थाना क्षेत्र रमुनु बीघा गांव से रोशन कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी निशानदेही पर पटना के औटा गांव निवासी सूरज कुमार और मिथिलेश राम उर्फ पोलू राम के अलावा बढ़िया के बिरुपुर थाना क्षेत्र सदाईबीघा निवासी राजकुमार सिंह को लूटे गए कीटनाशक दवा के साथ दफोच लिया गया। सुबह करीब 3 बजे ये जो बालगुदर है, हमारा जो हाईवे है, वहीं पे एक स्कॉर्पियो ने एक गाड़ी को पिकअप को ओवरटेक किया। रात के 3 बज रहे थे, पिकअप ओवरटेक करके उसमें कुछ हथियार के साथ जो आरोपी थे उसने उतर करके ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया और उसकी जो लूटी जो पिकअप थी वो लूट ली गई। पिकअप में कीटनाशक दवा थी और भी कुछ सामान था। उसके बाद जो है पुलिस को तुरंत सूचना मिली तो थाना प्रभारी बढ़िया ने जो है तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेकर के उस गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी में संयोग से GPS लगा हुआ था तो उसी का हम लोगों को उस सिग्नल मिल रहा था। सिग्नल मिलते मिलते हम लोग उसने गाड़ी का पीछा किया। पीछा करके हमने पहले तो जो लूटी गई पिकअप थी उसको बरामद किया गया, शेखपुरा जिला से बरामद किया गया। उसी के साथ जो उसमें लोड माल था उसको उतार लिया गया था, उसको भी बगल के एरिया से बरामद किया गया। उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम भी इस पर काम कर रही थी और टेक्निकल टीम की मदद से और उसके बाद हमारा जो मानवीय सूत्र है उसकी मदद से इसमें 4 लोगों की हमने अरेस्टिंग की है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए RPF एवं GRP की ओर से रेलवे ट्रक और आसपास के क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च सुल्तानगंज, अकबरनगर और मुरारपुर सहित आसपास रेलवे स्टेशनों से निकाला गया, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था या उपद्रव की स्थिति से बचाव किया जा सके। वहीं इसको लेकर RPF एवं GRP के अधिकारियों का कहना है कि अग्निवीरों के नाम पर पिछले दिनों युवाओं द्वारा किए गए उपद्रव को देखते हुए मुख्यालय के निर्देश पर संभावित हंगामे पर रोक लगाने और आम लोगों एवं यात्रियों को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च निकालकर एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। रेलवे के पुलिस अधिकारी ने कहा कि देश में रोजगार के कई अवसर हैं और कोई भी छात्र या युवक किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो सरकारी संपत्ति के साथ आपकी संपत्ति या भविष्य के लिए परेशानी का कारण बने। साथ ही कहा कि रेलवे या किसी भी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने
पर पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिससे ऐसे युवाओं का सपना अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा कहा कि रेल यात्रा करने वाले यात्री भी आपके ही परिवार के लोग हैं, जो सुख दुख या जरूरी कारणों से रेल यात्रा करते हैं। फ्लैग मार्च के दौरान RPF इंस्पेक्टर रवि यादव, SN सिंह, पीयूष कुमार, राजीव कुमार सहित काफी संख्या में RPF एवं GRP के जवान मौजूद थे। इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम था, ये एक फ्लैग मार्च था RPF का, GRP का, और जो भी एजेंसी उनके साथ में मिलके हम लोगों ने एक रेलवे एरिया में एक फ्लैग मार्च किया। विगत जो अग्निपथ की विरोध हुआ है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे एरिया में एक फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन किया गया। यात्रियों को और आम आदमियों को एक संदेश दिया गया कि रेलवे एरिया जो है सुरक्षित है और किसी प्रकार की यहाँ पर कोई किसी आपराधिक घटना या कुछ ऐसे हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। साथ ही साथ हम लोगों कुछ इनपुट थे इस प्रकार के, हेडक्वार्टर से और अपने मुख्यालय से आदेश मिले थे कि आज के दिन थोड़ा सा विशेष बंदोबस्त रखना है, इसके लिए हम लोग को बाहर से भी डिप्लॉयमेंट दिया गया और वर्तमान स्थिति को नॉर्मल है। भागलपुर IMA हॉल में हृदय रोग के इलाज से संबंधित जानकारी और उपचार के लिए नई तकनीकों पर चर्चा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान फ्रंटियर्स इन कार्डियक सर्जरी एंड कार्डियोलॉजी विषय पर आयोजित CME को गेस्ट स्पीकर मेदांता के डायरेक्टर कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी डॉक्टर हरप्रीत वसीर ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एकीकृत चिकित्सा, मरीजों की देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना करने के साथ विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही उन सभी का मुख्य उद्देश्य है। CME में मेदांता मेडिसिटी के वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर वसीर ने कहा कि हृदय रोग से जुड़ी सभी समस्याओं और नई तकनीकों से किए जाने वाले उपचार और अपने अनुभवों की जानकारी IMA के चिकित्सकों से साझा की। डॉक्टर वसीर ने हार्ट ट्रांसप्लांट, वॉल्व रिपेयर, रोबोटिक सर्जरी समेत हृदय रोग के विभिन्न पहलुओं और इलाज को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समय पर हृदय रोग की पहचान और उचित उपचार आवश्यक है, जिससे स्वस्थ जीवन संभव है। साथ ही उन्होंने सटेन कार्डियक अरेस्ट के कई पहलुओं पर भागलपुर के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा और विचार विमर्श किया। वहीं सेमिनार के दूसरे सत्र में पैनल डिस्कशन में गेस्ट स्पीकर डॉक्टर हरप्रीत वसीर का स्वागत करते हुए डॉक्टर SN झा, डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर DP सिंह समेत कई चिकित्सकों ने अपनी बात रखते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन IMA के सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने किया। मौके पर मेदांता के मार्केटिंग मैनेजर विभूति भूषण के अलावे डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर महेश कुमार समेत काफी संख्या में पुरुष और महिला चिकित्सक मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मेन फोकस था कि हम लोग मेदांता से जो हमारी वहाँ पे एक्सपर्टाइज है, जो भी हम वहाँ पे प्रोसीजर्स और सब कुछ कर रहे हैं कार्डियोलॉजी में और कार्डियक सर्जरी में, वो चीजें हम अपने जितने भी कोलीग्स हैं यहाँ पे, कार्डियोलॉजी कोलीग्स, फिजिशियंस जितने भी हैं, जितने सीनियर फिजिशियंस हैं, यंग फिजिशियंस हैं, उनके साथ शेयर करें कि ये सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं पेशेंट्स के लिए, जो हम उनको एक एक्स्ट्रा केयर देने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे भागलपुर में ऑल्दो इतना अच्छा काम हो रहा है, जितने कार्डियोलॉजिस्ट, जितने फिजिशियंस हैं, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, बट उनके साथ शेयर करना कि नए एडवांसेस क्या हैं, कार्डियोलॉजी में क्या एडवांसेस हैं, कार्डियक सर्जरी में क्या एडवांसेस हैं, ताकि अवेयरनेस इंक्रीज करें कि ये भी ऑप्शन हम पेशेंट्स को दे सकते हैं उनकी बेहतरी के लिए और कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो मेन पर्पस हमारा यही था, सारा शेयर करना कि मेदांता में जो प्रोसीजर्स और जो जो चीज़ें हो रही हैं वो हम अपने कोलीग से भागलपुर में शेयर करें कि भाई पेशेंट्स के लिए अगर हम कुछ और कर सकते हैं जो वो भी चाहेंगे। ये हमारा मेन मकसद था यहाँ पे आके ये CME करना IMA के थ्रू और सारे कोलीग से डिस्कस करना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पार्टी के कार्यकर्ताओं से वार्ता करने अररिया पहुंचे, जहां दो दिनों तक केंद्रीय मंत्री संगठन मजबूती को लेकर कई दिशा निर्देश देंगे। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अररिया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और उनकी पार्टी के सांसद और सभी विधायक जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अररिया दौरे पर 24 घंटे के लिए आए हैं और पार्टी के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अररिया एवं बिहार की जनता को वो बधाई देते हैं जिन्होंने उन पर अपना विश्वास जताया है। नित्यानंद राय ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है। मौके पर अररिया सांसद प्रदीप सिंह के अलावा जिले के कई विधायक और काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी लोग, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी की टीम, बूथ के अध्यक्ष,
मंडल के पूरी टीम, जिला की टीम यहाँ की जनता के सेवा में दिनरात लगी रहती है और यहाँ पार्टी का एक कार्यक्रम है। आज से मैं कल दोपहर तक रहूँगा, 24 घंटे रात में या जहाँ रहेंगे। तो पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी जो विकास के भगीरथ हैं, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, कल सर्वे आया है, मैं तो अररिया बिहार और भारतवासियों की ओर से उनको बधाई देता हूँ कि एक महत्वपूर्ण सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में उनकी गिनती हुई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। भागलपुर सुल्तानगंज में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से मैराथन साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक और थानाध्यक्ष समेत सुल्तानगंज के प्रबुद्ध लोगों और युवाओं के साथ छात्र छात्राओं ने भी साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। वहीं विधायक ललित नारायण मंडल ने इस तरह के पहल की सराहना करते हुए कहा कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है, जिससे देश में हर जगह लोग स्वस्थ रह सके। इधर थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने कहा कि स्वच्छता के साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसा कार्यक्रम जरूरी है। वहीं मारवाड़ी युवा मंच शाखा के अमर जादूकर और मनोज जादूकर ने बताया कि देश के प्रगति के लिए पूरे भारत में 673 जगहों पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के लोग स्वस्थ रह सके। साथ ही कहा कि इससे पेट्रोल डीजल की खपत में भी कमी आएगी। साइकिल जागरूकता रैली में कई स्कूल के छात्र छात्राएं, शिक्षक और मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य के अलावा काफी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। नेशनल स्पोर्ट डे है और आज के दिन मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा पूरे भारत में जितनी शाखाएं हैं हर जगह साइकिल रेस का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम मारवाड़ी युवा मंच को साधुवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया। कारण जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तब जीवन अच्छा होता है और स्पोर्ट्स के बढ़ावा के लिए मैसेज है, इसलिए इसको साइकिल चलाने से ऊर्जा की बचत होती है, पेट्रोलिंग ऊर्जा जो पेट्रोलियम ऊर्जा का बचत होगा, मतलब प्रदूषण भी बचेगा। ये देश के स्वस्थ रहने के लिए एक पहल है मारवाड़ी युवा मंच शाखा सुल्तानगंज की। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान की 673 शाखाओं में से मैक्सिमम अधिकतम शाखाओं में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे देश की प्रगति है, लोग स्वस्थ होंगे और विदेशी मुद्रा का भी बचत होगा, जिसमें पेट्रोल डीजल पर जो सरकार का खर्च आता है उसमें भी घटेगा।
गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से बढ़ैयत प्रखंड के पाली पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने से किऊल एवं हरूहर नदी का भी जल स्तर बढ़ गया है, जिससे बढ़ैया प्रखंड के अलावे पिपरिया एवं सूरजगढ़ा प्रखंड के दियारा एवं टाल क्षेत्र के लोगों को बाढ़ का भय सताने लगा है और लोग सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक ओर जहाँ बाढ़ का डर लोगों को सता रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण होने वाली बीमारियों और अन्य समस्याओं का भी भय लोगों में बढ़ता जा रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत वार्ड संख्या 1 में बाथ तांती टोला में मुख्य मार्ग पर गंदा पानी और कचरा जमा होने से लोगों को कीचड़ के बीच आवाजाही करना पड़ रहा है, जो ग्रामीणों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है। यहां लंबे समय से नाला निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि ग्रामीण कई बार शीघ्र ही समस्या समाधान करने की मांग करते रहे हैं। वहीं इसको लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र शर्मा, विजय तांती और पप्पू तांती समेत कई ग्रामीणों ने कहा कि नाला के अभाव में मुख्य मार्ग पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता है, जो आसपास के लोगों के लिए दिक्कतें पैदा करती है। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक नाला निर्माण नहीं कराया गया। साथ ही कहा गया कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से पानी निकासी के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिसके कारण इस मार्ग पर पानी जमा होने से जगह जगह गड्ढे भी हो गए हैं, जबकि बारिश होने पर कीचड़ और गड्ढे के कारण पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या समस्या है आप लोग का? समस्या यही कि गोबर कब से हटा दो, क्या समस्या है? ये पूरा गाय माल बकरी झगड़ी टोटल, मतलब अतिक्रमण कर लिया है रोड पे। हाँ, उसको क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को क्लियर चाहिए रोड, रोड क्लियर, मतलब बहुत जगह गाय बकरी को नाला का ब्लॉक का समस्या है, ऐसी समस्या है। घर में रखते हैं गंदगी, घर में रखते हैं, पानी का निकासी नहीं है, नहीं है निकासी, एकदम नहीं निकासी, सब लोग घर में पानी रखता है, जहाँ तक सोते हैं बगल में सब घर में चीज है, क्या बताएं, जरूरी है, यही बात है। पानी से मुखिया जी को कभी सूचना दिए थे नाला के लिए? हाँ दिया था, बहुत बार दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।